अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं करेले और गोश्त की रेसिपी। तो इसमें हमने सबसे पहले ऐड कर दिया है गोश्त, और साथ ही हमने ऐड किया है प्याज, लहसुन और एक अदद टमाटर का इस्तेमाल किया हमने। तो प्याज का इस्तेमाल हमने ज़्यादा किया क्योंकि करेले जो है कड़वे होते हैं और उसमें प्याज ज़्यादा डलते हैं, साथ ही करेला जो है उसमें से उसका कड़वापन जो है ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से हमने प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एक गिलास पानी। आप अपने इलाके के हिसाब से पानी का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तो यहाँ पर, मैं अब कुकर प्रेशर में जो है गोश्त को पकाने जा रही हूँ, तो मुझे एक अदद गिलास की ज़रूरत है, तो हमने एक अदद इसमें गिलास पानी का ऐड कर दिया है। और जो है साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी का। घी का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बल्कि मैंने जितने तमाम मसाला जाती हैं उनका डबल मिकदार में इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका जो है करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला है, और ये हमारे पास मिर्ची, हल्दी, और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें नमक। ने इसमें ऐड कर दिया नमक, और हम यूज़ करेंगे एक बड़ी इलायची का दाना। और बस इतना सिंपल सा तरीका है। और अब हम इसे जो है ढक्कन लगा देंगे, और दूसरी तरफ जो है हम इस तरह से करेले को छील लेंगे। और इस तरह से जो है हमने करेले को काट लेना है। ये करेलों को काट लिया हमने। इसको जो है करेलों को हमने पानी में भिगो दिया, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, और बाद में इनको जो है जब हम गोश्त में ऐड करेंगे तो इनको निचोड़ लेना है इस तरह से अच्छी तरह से। तो ये भी हमारे पास छिल चुके हैं, तो चलते हैं जी गोश्त की तरफ, देखते हैं वो भी हमारे पास घुल चुका होगा। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पास जो है गोश्त जो है घुल चुका है। तो साथ ही अब जो है हमने इसे जो है शौक भून लेना है। वो करेले भी कट चुके हैं, और ये जो है इसमें से हमने इसका गूदा नहीं निकाला, बीज निकाल लिए हैं। तो उसके साथ ही हम 2 टमाटर ऐड करेंगे, और कुछ हमारे पास सब्ज़ मिर्ची, तो इनको हम अब डालने जा रहे हैं गोश्त में। गोश्त जो है हमारे पास, उसे हमने भून लिया अच्छे से। और इसी के साथ जो है हमें ऐड कर देंगे करेले। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को हमने जो है बारीक नहीं कट किया, क्योंकि टमाटर को बारीक कट करने से वो ज़्यादा जल्दी नहीं घुलता। और एक बार फिर बताती चलूँ, इसमें प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल इस वजह से किया है कि करेला कड़वा होता है और प्याज जो है मीठा होता है, तो हम जो प्याज है वो हमारे करेले की कड़वाहट को ख़त्म कर देगा। तो अब इसको भी जो है अच्छे से भून लेना है, और फिर उसके बाद जो है करेले में हमने ऐड कर देना है पानी, और
फिर उसके बाद जो है हमारे पास कुकर की सीटी लगाएंगे और हमारा सालन बनकर तैयार। तो बर्तन जो है घी छोड़ने लगा है, इसे अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ आधा ग्लास जो है पानी का, बस इतना, और इसे दोबारा से सीटी लगा देनी है जब तक करेला जो है हमारे पास घुल जाएगा। तो बस हमारा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब इसे भी जो है अच्छे से भून लेंगे। तो बस ये हमारा सालन रेडी है। तो व्यूअर्स देखें, हमारा सालन जो है बनकर तैयार हो चुका है। कुकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। और सालन जो है बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।